दोस्तों प्रेजेंटली स्मार्टफोन मार्केट में हर एक साल में कोई ना कोई नया स्मार्टफोन रिलीज हो जाता है। एक ही सीरीज चल रही होती है, जैसे सैमसंग की गैलेक्सी सीरीज चल रही होती है, गैलेक्सी 8 आता है, अगले साल गैलेक्सी 9 आ जाता है, फिर उसके अगले साल गैलेक्सी 10 आ जाता है। पर ऐसे में आप कंपनी आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप हर एक साल में अपना स्मार्टफोन अपग्रेड करोगे, नया स्मार्टफोन जो उन्होंने अगले साल रिलीज किया है वो आप अगले साल खरीद लोगे। पर कई केसेस में ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है, क्योंकि हमारे स्मार्टफोन्स काफ़ी रिलायबल होते हैं, काफ़ी ड्यूरेबल हो गए अब, तो हम उससे एक साल से ज़्यादा टाइम तक यूज़ करते रहते हैं, एक दो तीन साल, कभी कभी चार साल तक भी यूज़ करते रहते हैं। तो ऐसे में कंपनीज ने जो नया तरीका निकाला ये आपको अपग्रेड करवाने का, वो ये है कि आपका पुराना स्मार्टफोन आपसे वापस ले लेते हैं, उसके बदले आपको सर्टेन डिस्काउंट दे देते हैं नए मॉडल में, 10-15-20 हज़ार का। और ये जो पुराने फ़ोन्स कंपनी के पास वापस जाते हैं वो उनका क्या करते हैं, आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रेश, आप देख रहे हैं गीक आचार्य, और आज बात करेंगे रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन की। दोस्तों रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन बेसिकली वो स्मार्टफोन्स होते हैं जो कंपनी के पास वापस गए, कंपनी ने उन्हें चेक किया, उन्हें दोबारा फिक्स किया जो भी उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और उन्हें वापस से कस्टमर्स को सेल करने के लिए निकाल दिया, मतलब उसे वापस से कस्टमर्स को बेच दिया। अभी रिफर्बिश स्मार्टफोन्स बेसिकली या तो सर्विस सेंटर से कंपनी के पास पहुंचते हैं, या फिर जैसा मैंने आपको इसके ओरिजिनल एग्जांपल में बताया कि आपको नया स्मार्टफोन खरीदने के बदले आपका पुराना स्मार्टफोन ले लिया और उसके बदले कुछ डिस्काउंट दे दिया, तो जो पुराना स्मार्टफोन गया उसको भी रिफर्बिश कर सकते हैं। अब रिफर्बिश्ड और सेकेंड हैंड में फ़र्क क्या है? सेकेंड हैंड और रिफर्बिश्ड में बेसिक फ़र्क यह है कि सेकेंड हैंड की डीलिंग ऐसा होती है कि मेरे पास एक स्मार्टफोन है, मुझे नया स्मार्टफोन खरीदना है, मुझे या कोई और चीज़ खरीदनी, मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो मैं अपना फ़ोन किसी और को दे देता हूँ जिस कंडीशन में उसी कंडीशन में। रिफर्बिश के केस में क्या होता है, आप अपना फोन कंपनी को देते हो, कंपनी उसे चेक करती है कि उसमें कोई कमी तो नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर की लैकिंग है, कोई हार्डवेयर की लैकिंग है, अगर कोई भी ऐसी कमी आइडेंटिफाई होती है तो उसे फिक्स करते हैं। अगर हार्डवेयर है तो हार्डवेयर को रिपेयर किया जाता है, अगर सॉफ्टवेयर तो सॉफ्टवेयर को रिपेयर करके अपग्रेड करके वापस से डब्बे में डाल के कंपनी जो भी रिपेयर कर रही है, जो भी रिपेयर करने वाली कंपनी है, वो अपना वारंटी देके आपको दोबारा सेल करते हैं। अभी बेसिकली मार्केट में दो जो पॉपुलर नेम है, अमेजोन की रिन्यू नाम की सर्विस है, अमेजॉन रिन्यूड नाम से अपने amazon.in पोर्टल के अंदर इस तरह के रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन को बेचता है, और फ्लिपकार्ट ने रिसेंटली लॉन्च किया टू गुड नाम की एक नई वेबसाइट जिसके अंदर वो अपने रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन बेचते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जैसे हर एक स्मार्टफोन आप ब्रांड वैल्यू, एक सर्टन ब्रांड वैल्यू एसोसिएटेड होती है हर एक स्मार्टफोन के साथ। जैसे कि अगर आप एप्पल का स्मार्टफोन खरीदते हो तो उसके साथ एप्पल की ब्रांड एसोसिएटेड, आपको भरोसा है एप्पल की ब्रांड पे, और जैसे आप सैमसंग का स्मार्टफोन खरीदते हो तो सैमसंग की ब्रांड वैल्यू उसके साथ एसोसिएटेड है। वैसे ही क्योंकि आपको वारंटी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर यानी कि आपका OEM मतलब कि सैमसंग या एप्पल दे रहा होता है, इसलिए वो ब्रांड वैल्यू सर्टेन एसोसिएटेड होती है उस पर्टिकुलर स्मार्टफोन के साथ। अब रिफर्बिश के केस में क्या है, जो ब्रांड वैल्यू है वो है रिफर्बिश करने वाले की, जिसके पास जैसे कि फ्लिपकार्ट है, इस केस में अगर टू गुड से आप स्मार्टफोन खरीद रहे हो तो उसमें फ्लिपकार्ट की ब्रांड वैल्यू एसोसिएटेड है, क्योंकि फ्लिपकार्ट आपसे पुराना स्मार्टफोन लेके उसको रिफर्बिश करके, उसको रिपेयर वगैरह फिक्स करके वापस से टू गुड में बेच रहा है, टू गुड वेबसाइट के अंदर बेच रहा है। वैसे ही अगर आप अमेजोन के रिन्यूड सेक्शन के अंदर से स्मार्टफोन लेते हो तो उसमें अमेजोन की ब्रांड वैल्यू एसोसिएटेड है, क्योंकि अमेजोन आपसे पुराना स्मार्टफोन खरीद के उसे रिपेयर करके, उसे फिक्स करके, ठीक ठाक करके आपको वापस से बेच रहा है, और क्योंकि आपको वारंटी भी अमेजोन से ही मिल रही है, तो ऐसे में ब्रांड वैल्यू जो एसोसिएटेड है किसी भी रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन के साथ वो काफी इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि अगर आपको ब्रांड वैल्यू पे, अगर आपको उस पर्टिकुलर ब्रांड पे भरोसा नहीं है तो आप भरोसा नहीं कर पाओगे रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन पे। दूसरा है प्राइस वैल्यू। प्राइस वैल्यू क्या है कि अगर आप नया स्मार्टफोन खरीदने जा रहे हो और वही स्मार्टफोन रिफर्बिश के केस में आपको 15-20 हज़ार रुपये सस्ता मिल रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी डील होगी दोस्तों, क्योंकि आपको लगभग सेम कंडीशन में स्मार्टफोन मिल रहा है और उसमें आपको वारंटी भी एसोसिएटेड साथ में मिल रही है। अब मैंने इस वीडियो के लिए आईफोन 7 का कंपैरिजन देखा है, तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे जो भी लिस्टिंग है आईफोन 7 की गोल्ड कलर की, वही वहाँ पे अमेजोन रिन्यूड के अंदर या टू गुड के अंदर वो 12-15 हज़ार रुपये सस्ता मिल रहा है। और नोट 9 का ओशन ब्लू कलर भी मैंने ऐसे ही कंपेयर किया अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे जो उनकी रेट दिख रहा है, वही टू गुड और अमेजोन रिन्यू के अंदर क्या है, तो उसमें फ़र्क है लगभग 20 हज़ार रुपये का। तो अगर आपको लगभग नई कंडीशन में, लगभग बिल्कुल नई जैसी कंडीशन में अगर आपको स्मार्टफोन मिलता है और उसमें भी आपको 12-15 या 20 हज़ार तक का डिस्काउंट मिल रहा है,
तो इससे अच्छी डील क्या होगी दोस्तों? तो रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन हमें लेना चाहिए, बस हमें दो चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि उसके जो प्राइस वैल्यू है, हमें जो ओरिजिनल जो नया स्मार्टफोन है और रिफर्बिश्ड के बीच में जो प्राइस का डिफरेंस है वो कितना ज़्यादा मिल रहा है, मतलब जितना ज़्यादा प्राइस वैल्यू आपको मिल रहा है उतना अच्छा होगा। और दूसरा, जो ब्रांड वैल्यू उसके साथ एसोसिएटेड है, आप कौन सी जगह से रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन ले रहे हो। अगर आप कहीं से भी उठा ले रहे हो तो यार, जैसे ईबे से उठा लिया तो ईबे में कोई गारंटी नहीं होती कि कितना कैसी कंडीशन मिल रही है, पर अगर आप उसे टू गुड या अमेजोन के रिन्यूड सेक्शन से उठा रहे हो तो चांसेस है कि आपको बहुत अच्छी सर्विस मिलेगी, बहुत अच्छा, क्योंकि उनकी वारंटी, वो साथ में वारंटी भी दे रहे हैं उसके साथ, तो आपको बहुत अच्छी वारंटी बैकअप भी मिलने वाला है, और क्योंकि उसके साथ वो ब्रांड का वैल्यू एसोसिएटेड है तो अच्छा, आपका एक्सपीरियंस अच्छा होने वाला है। तो रिफर्बिश्ड बेसिकली वो वाले स्मार्टफोन्स होते हैं जिन्हें कंपनी वापस लेके आपको रिन्यू करके दे देती है, और उसके साथ आपको सिर्फ दो चीज़ें ध्यान में रखनी कि आपको कितना अच्छा प्राइस एडवांटेज मिल रहा है नए के कंपैरिजन में, और कितना अच्छा ब्रांड से, कितनी अच्छी जगह से आप उसे ले रहे हो। तो आप बताइए, आप कॉमेंट्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। आप मुझे बताइए कि आप अपने ऊपर एक पोल डाला हुआ है जिसमें आप मुझे ये बता सकते हैं कि आप कितने सालों तक टिपिकली अपने स्मार्टफोन को यूज़ करते हैं, मतलब कि आप जो स्मार्टफोन अभी यूज़ कर रहे हैं उसे यूज़ करते हुए आपको कितने साल हो गए, 1 साल 2 साल 3 साल या अभी कुछ महीने ही हुए हैं। और लाइक करिए वीडियो को अगर आपको मेरा काम पसंद आया। कमेंट्स में मुझे बताइए कि आप फ्यूचर में किस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली डिलीवर होते रहें। नमस्कार, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।